अवमे लूत जिन्होंने दुनिया में सबसे पहले हमजिंसी परस्ती की इब्तिदा की। अवमे लूत की तरफ शैतान ने किस औरत को भेजा था? उस औरत ने ऐसा क्या किया जिसे कौमे लूत की औरतें भी एक नए गुनाह में मुब्तला हो गई? लाकेश कौन थी और उसने कौमे लूत की औरतों को क्या सिखाया था? शैतान अल्लाह का नाफरमान और बनी आदम का सबसे बड़ा दुश्मन है, जिसने मुख्तलिफ तरीके से लोगों को धोखे और फरेब में मुबला करता रहता है और उन्हें बरगलाता रहता है। कुरान और हदीस के मुताले से पता चलता है कि शैतान सिर्फ एक मखलूक नहीं है, बल्कि इबलीस की एक पूरी नस्ल है और उसकी बेशुमार औलादें हैं। कुरान मजीद में शैतानी जूरियत का जिक्र मिलता है, जो शैतान के चेले और उसके कामों के मददगार और मावीन हैं। बयान किया जाता है कि शैतान की कई औलादें हैं, जिनमें बलहान नमाज और इबादात में वसवसे डालता है, मस्तूत लोगों में अफवाह फैलाता है, वासिम घर वालों में लड़ाइयाँ लगवाता है, मुर्राह गाने बजाने के गुनाह को आम करता है, और इसी तरह इबलीस के कई बेटे और पोते हैं जो मुख्तलिफ कामों पर मुकर्रर हैं। शैतान की उन औलादों और जुएत में एक नाम लाकिस का है। लाकिस दरअसल शैतान की बेटी है, जिसे इबलीस ने एक खास ड्यूटी पर मुकर्रर करते हुए कौमे लूत की तरफ भेजा था। कौमे लूत दरअसल तारीख की एक ताकतवर और मालदार कौम थी, जो उर्दन के इलाके में आबाद थे। यहाँ सरसब्ज और शादाब वादियाँ थीं, जिनमें सुदूम और अमूरत नाम से दो इलाके आबाद थे। इबलीस ने अहले सुदूम को इस तरह गुमराह किया कि शैतान एक दिन इंसान की सूरत में सुदूम के लोगों के पास आया और वह लोगों को आपस में ही मर्दों मर्दों में सहबत करना सिखाया। उन लोगों को ये बुरा अमल बहुत पसंद आया, लिहाजा ये लोग आहिस्ता आहिस्ता इस अमल के आदि बन गए और वो रोजाना बदफेली करने लगे। यहाँ तक कि कोई मुसाफिर सुदूम के इलाके से गुजरता तो ये लोग उन मुसाफिर मर्दों को भी पकड़ लेते और उन्हें अपना शिकार बना लेती। वक्त गुजरने के साथ साथ ये लोग इस गुमराही के गड्ढे में गिरते चले गए और ये लोग औरतों के बजाय मर्दों और लड़कों से जिना करने लगे और औरतों की तरफ उन्हें रग़बत ना रहा। वो खुलेआम इस अमल को शहर के चौक चौराहों पर किया जाता था। उनकी हर महफिल में मर्दों का रक़्त और उनके साथ अय्यासी और जिना करना उनका दस्तूर बन चुका था। अल्लाह ने उनकी तरफ अपने बंदे और नबी हजरत लूत अलैहिस्सलाम को भेजा, जिन्होंने अहले सदूम को इस गंदे अमल से तौबा करने को कहा और फरमाया, क्या तुम लोग वो बेहयाई करते हो जो तुमसे पहले इस ज़मीन पर किसी ने नहीं किया है? तुम मर्दों के पास जाकर अपनी ख्वाहिश पूरी करते हो और अपनी औरतों को छोड़ देते हो। तुम लोग हद से गुजर चुके हो, लेकिन कौमे लूत पर इन वाजो नसीहत का कोई असर ना हुआ, बल्कि वो उल्टा लूत अलैहिस्सलाम के खिलाफ हो गए और उन्हें मजबूर करने लगे कि तुम इतने ही नेक और पाक हो तो इस बस्ती से निकल जाओ। अहले सुदूम का मर्दों से जिना करना और बदफेली सिर्फ एक गुनाह ही नहीं था, बल्कि इस अमल से वो खुदा के बनाए हुए खानदानी निज़ाम को तबाह व बर्बाद कर रहे थे और ऐसे संगीन जुर्म की इब्तिदा कर चुके थे जिसे अब जायश नस्ल का पूरा कुदरती निज़ाम बर्बाद हो रहा था।